بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں بنا رہی ہوں چاکلیٹ بریڈ, تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں. ایک ٹیبل اسپون ایسٹ, دو ٹیبل اسپون چینی, एक अंडा लेकर इसकी सफेदी और जर्दी मैंने अलहदा कर ली है. एक कप ऑयल ले लिया, एक कप पानी, चॉकलेट. इस कप से मैं मैदा ले लूँगी 3 कप. मैंने बोल ले लिया, इसके अंदर मैं डालूँगी नीम गर्म पानी डालूँगी. इसके अंदर ठंडा पानी नहीं डालना, ठंडे पानी का ऑयल जाएगा इसके अंदर. अंडे की सफेदी, चीनी जाएगी इसके अंदर. अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी. अब इसके अंदर 3 कप मैदा डाल के इसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी. आटा मैंने गूंद लिया, अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूँगी. कवर करके मैं 30 मिनट के लिए रख दूंगी. इसको 4 हिस्सों में काट के इसके 4 में पेड़े बना लूंगी और इनको रोटी की तरह मैं बेल लूंगी. इसको आपने रोटी की तरह बेल लेना है, ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला बेलना है. अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चॉकलेट. अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी 1 रोटी. अब इसके ऊपर भी मैं लगाऊंगी चॉकलेट. ऊपर भी चॉकलेट लगा के इसके ऊपर भी मैं 1 रोटी रख दूंगी. अब मैं सेंटर में 1 ग्लास रख लूंगी और साइड से काट लूंगी. अब बिल्कुल सामने से काटूंगी. अब दूसरे साइड से काट लूंगी. अब इसके सामने से काट लूंगी. अब इसको ऐसे छोटा छोटा काट के इसको टर्न कर लें. अब मैं इसको ओवन में रखूंगी 180 पे 20 से 25 मिनट. ब्रेड हमारी तैयार हो गई है. ये देखें कितनी मज़े की लग रही है. आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें. अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नई रेसिपी के साथ. अल्लाह हाफिज़.